एक वक्त ऐसा था जब बसपा में देश के कोने कोने तक बड़े नेता जुड़े हुए थे। आज वक्त ऐसा है कि बसपा में मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। लोकसभा के चुनाव के बाद से बसपा के बड़े नेता मायावती को छोड़कर जा रहे हैं, या मायावती उनको जाने से पहले ही निकाल देती है। मायावती को छोड़कर जो नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं या मायावती इसको नहीं निकाल रही हैं, तो उनका आरोप काफी गंभीर है। कैमरे पर तो कोई बोलने को तैयार नहीं, लेकिन हाँ, बातचीत में ये लोग जरूर कहते हैं कि अब काशीराम की बसपा नहीं रही, मायावती की बसपा कुछ अलग ही है। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। मायावती के साथ तीन दशकों तक काम कर चुके कई नेताओं का ये आरोप रहा है कि मायावती पिछड़ों, दलितों और गरीबों के जुड़े हुए नेताओं से बात नहीं करती, वो कड़क नोट वाले नेताओं से बात करती हैं। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो इन तमाम आरोपों को दरकिनार करते हैं। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीजों में ये साफ कर चुकी हैं कि उनके ऊपर हमेशा इस तरह के गलत आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बसपा से समय समय पर इस तरह के आरोप जनता के सामने बेपर्दा होते रहे हैं। अगर जमीनी हकीकत देखें तो ये साफ है कि मायावती का वर्चस्व और विश्वास अब दोनों ही जमीन से उठ चुका है। मायावती के साथ पिछले तीन दशक से काम कर रहे नेताओं का जिस तरीके से लगातार मायावती को छोड़ने का सिलसिला जारी है, इससे ये साफ है कि बसपा के अंदर सबसे बड़ा तूफान चल रहा है। और ये तूफान इतना बड़ा है कि मायावती अपने तमाम विश्वसनीय नेताओं को खोते ही जा रही है। अभिलाल जी वर्मा और राम अचल राजभर को मायावती ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि पिछड़े और दलितों की नेता के तौर पर मायावती खुद अकेले ही बची है बसपा में, क्योंकि बाकी दलित और पिछड़े नेता तो बसपा से निकाले जा चुके हैं। क्या मायावती अकेले अपने चेहरे पर चुनाव लड़ेंगी या मायावती किसी और पार्टी से गठबंधन करेंगी? इससे राजनीतिक विशेषज्ञ भी कहते हैं कि 2022 में बसपा और भाजपा अगर एक साथ चुनाव लड़े तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।